जैसे कि आपको पता ही हमारी यूएसपी शुरू से जो है लेस ड्रिवन की, तो उसके साथ साथ हम एक और शुरू कर रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो अपने आप जो हो चुकी है शुरू में कहूँगा, जो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस की है, 2016X3, 2018X3, 18X3, देन ऑल्सो 18X3, जिसका अंडर 30 अगर किसी को खरीदना है तो 30 का ऑप्शन भी है, देन वी हैव अंडर 45 ऑप्शन, देन वी हैव अंडर 50 ऑप्शन आई थिंक। सभी माई कंट्री मैरिट व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री मैरिट के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज जो हम ब्रांड कवर कर रहे हैं वो माना जाता है परफॉर्मेंस के लिए, उस ब्रांड का नाम है BMW, और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि आपको सेकेंड हैंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन दिखाएँ ताकि जो बायर है उसके लिए एक अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिले उसे कि गाड़ियों का, और साथ ही साथ एक अच्छी वैरायटी मिले। क्योंकि जब आप में सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदने के लिए मन बनाया जाता है, जब आप मन बनाते हो और आपको पता है कि आपने एक प्रोडक्ट ख़रीदना है और उस प्रोडक्ट के आपको एक ही शोरूम पे मल्टीपल ऑप्शन दिखे, तो एक बायर के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ठीक उसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं BMW X3। अब 3 X3 हैं हमारे पास, इन तीनों की पूरी स्पेक्स जानेंगे और किस कीमत पे हैं ये X3 वो भी जानेंगे, क्योंकि इसमें क्या है अगर किसी को X3 बाय करनी है तो इसमें अलग अलग बजट की X3 है, तो X3 का सपना भी पूरा होगा, और बजट जिसका टाइट है, जिसको बजट का थोड़ा कंसर्न नहीं है, अपर मॉडल चाहिए, उसके लिए भी आज हम बात करेंगे। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नमन फ्रॉम ऑटो बस इंपीरियो। नमन, हाउ आर यू? वेरी वेल, आप बताओ कैसे? तो नमन, जैसे आज हम हैं ऑटो बस इंपीरियो पे, अब मेरे को लगता है कि ऑटो बस इंपीरियो पे ये चीज़ बहुत कॉमनली मतलब होने लगी है, रेगुलर बेस पे हो रही है कि एक पर्टिकुलर मॉडल के या एक पर्टिकुलर गाड़ी के भी मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, मतलब एक टाइम पे आई हैव सीन 5 ऑप्शन एक गाड़ी के जी, और आज 3 हैं। बिल्कुल, इसके बारे में क्या कहना है? जैसे कि आपको पता ही हमारी USP शुरू से जो है लेस ड्रिवन की, तो उसके साथ साथ हम एक और शुरू कर रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो अपने आप जो हो चुकी है शुरू में कहूँगा, जो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस की है। हाँ जी। मतलब जैसे अभी हमने रिसेंटली हमारी वीडियो करी थी जिसमें हमने आपको दो दो के ऑप्शन दिखाए थे, लास्ट हमने जो वीडियो करी थी उसमें हमने डिस्कवरी स्पोर्ट्स दिखाई थी, तीन जो कि ऑप्शन में थी अलग अलग, जिनके वेरियंट अलग थे और जो कि मॉडल्स अलग थे, न्यू शेप ओल्ड शेप। तो ऐसे ही आज आपके लिए हम BMW X3 लेकर आए हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब अगर आप देखें इसके परफॉर्मेंस में, BMW एनी डे मतलब परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो टॉप ऑफ द लाइन है। अब यहाँ पे आप 3 BMW देख रहे हैं, तीनों सेम कलर में हैं, बट इनका जो वेरिएंट है वो हम आपको बताएंगे स्टार्टिंग रेंज से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना, हमारा जो सबसे लोएस्ट रेंज है X3 में, जो कि है 2016 मॉडल। ओके, दिस हैज डन 46,000 किलोमीटर्स, ब्लू कलर है जो कि BMW का फ्लैगशिप कलर है, एंड इसके साथ साथ जो गाड़ी है मतलब अगर कंडीशन की बात करें तो, सो यू कांट से दिस इज अ 2016 मॉडल, क्योंकि अगर हम इसके बात करें टायर्स की, अगर इसके हम अंदर इंटीरियर की बात करें, अगर हम लाइट्स की बात करें, 2016 मॉडल है, बिल्कुल क्लीन लाइट्स है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक इलेक्ट्रिकल चीज प्रॉपरली वर्किंग है। ओके, सनरूफ प्रॉपरली वर्किंग, रिवर्स कैमरा, एक एक चीज प्रॉपरली वर्किंग है, क्योंकि हम बिल्कुल लेते ही मेंटेन कर रहे हैं, हमारे कस्टमर्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए आप बेशक हमसे लोअर मॉडल गाड़ी ले चाहे अपर मॉडल गाड़ी ले, दोनों ही कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी, क्वालिटी स्टैंडर्ड से नो कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल, अब बात करते हैं ईयर की, 2016 X3, 2018 X3, 18 X3, देन ऑल्सो 18 X3, तो 2 18 है हमारे पास ऑप्शन में, 1 16 है,
तो 16 के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम बोल लेते हैं क्योंकि इसी को एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट ग्रिल एंड फ्रंट प्रोफाइल। जी बिल्कुल। सो दिस इज अ 2016 मॉडल। ये हमारी जो है ओल्ड शेप है। अब हमारी जो आ चुकी है फेसलिफ्टेड शेप आ चुकी है। इसमें आप अलॉय व्हील्स देख रहे हो, ये भी स्टॉक है। जो इसकी ग्रिल्स हैं ये सिग्नेचर ग्रिल BMW की जो पहले आती थी वो है। एंड इसके अगर हम लाइट्स की बात करें, बीच में आप इसके DRLs देख रहे हो जो कि पहले से ही आते हैं, जो राउंड DRLs आते हैं। अब थोड़े से डिफरेंट हो चुके हैं बट पहले वही आते थे। BMW LED लैंप्स हैं। टेल लैंप्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब ह्यूज लैंप्स कह सकते हो। पीछे X3 की बैजिंग भी देख सकते हो आप। एंड बम्पर्स ऑल क्लीन। व्हाट अबाउट दी बूट स्पेस एंड दी सिटिंग कैपेसिटी? सिटिंग कैपेसिटी X3 में हमेशा से ज़्यादा रही है। X3 जो है हमारी एक मिड साइज SUV है। हम कंपेयर करेंगे X3 को मर्सिडीज GLC से, ऑडी Q5 से। गाड़ी की कंडीशन की अगर अंदर से बात करें, इंटीरियर कहीं से आपको ये नहीं लगेगा कि गाड़ी कोई पुराना मॉडल है कुछ है। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं इंटीरियर में, जैसे कि सपोज कुछ चीज़ थोड़ी बहुत ख़राब हो जी, उसको हम रिपेयर बिल्कुल कराते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बिल्कुल क्लीन होता है, बट आपको कहीं से ये चीज़ नहीं लगेगी कि आप बिल्कुल चेंज है कोई चीज़, या फिर कोई मेजर चेंज है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत माइनर चेंजेस होते हैं। और व्हाट अबाउट द फीचर, रिवर्स कैमरा है इसमें? जी बिल्कुल, गाड़ी में मिलता है रिवर्स कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ मिलती है इसमें हमें। बीच में आप जो इसका गियर नॉब देख रहे हैं ये भी अब चेंज हो चुका है, जैसे कि जो डिजिटल वाला न्यू शेप में आ रहा है वो है। एंड स्पेस की बात करें, लेग रूम हेड रूम हमें दोनों ही बिल्कुल प्रॉपर मिलता है। अगर मैं ही बैठूंगा तो इजीली आई कैन सिट। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, इट इज मोर देन एनफ फॉर एन मिड साइज SUV। करेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस एंड द किलोमीटर ऑफ दिस कार। तो भाई स्पेक्स क्या है 16 के हिसाब से? दिस इज अ 2016 मॉडल X3। जी X3 X-Line X-Drive। एंड गाड़ी जो है इट हैज़ डन 46,000 किलोमीटर्स एंड वी आर आस्किंग 29.75 लाख फॉर द कार। 29.75 अ नेगोशिएबल प्राइस, स्टार्टिंग रेंज हो चुकी है। नाउ लेट्स सी 2018, अब ये कौन सी वाला वेरिएंट है, मतलब लग्जरी लाइन है कौन सा? दिस इज 2018 मॉडल जो कि 18 मैन्युफैक्चरिंग है, 18 रजिस्ट्रेशन है। दिस इज लग्जरी लाइन X3 X-Drive लग्जरी लाइन। दिस इज ऑल्सो 20D। जो तीनों हम गाड़ियां देख रहे हैं तीनों ही 20D है, मतलब 2 लीटर डीजल इंजन कार है। एंड इनकी इस वाली कार की अगर बात करें तो DRLs टोटली डिफरेंट। BMW LED लैंप्स आप देख रहे हो इसमें। ग्रिल्स इज टोटली डिफरेंट, मतलब अगर हम पहले वाली से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक मैसिव डिफरेंस है। बीच में अगर हम ग्रिल देखेंगे और उसकी ग्रिल देखेंगे दोनों में साइज़ का भी फर्क है। बम्पर्स बिल्कुल चेंज है, नीचे क्रोम जो फिनिशिंग है बिल्कुल प्रॉपर है। एंड जो इसका हुड की भी अगर आप शेप की बात करें तो इट इज़ टोटली डिफरेंट। अलॉय व्हील्स ये भी स्टॉक अलॉय व्हील्स हैं, ब्रांड न्यू टायर्स हैं, क्योंकि जो गाड़ी है इट हैज़ ओनली रन 26,000 किलोमीटर्स। यहाँ पर हम साइड में X-Drive 20D की बैजिंग भी देख सकते हैं। पूरी बॉडी कंडीशन बात करें, आउटर कंडीशन इज़ वेरी गुड। एंड पीछे टेल लैंप्स आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लैंप्स है। नीचे हमें डुअल एग्जॉस्ट पाइप्स मिल रही हैं, उसके साथ साथ पीछे क्रोम गार्निश भी है जो कि बहुत अच्छा लुक दे रहा है गाड़ी में। अच्छा, ये 16 में नहीं था पीछे जी ड्यूल एग्जॉस्ट पर, इसके अंदर एक स्पोर्टी लुक आ रही है जी बिल्कुल। अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, अगर आप साइज़ का भी थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस लगेगा आपको कि उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब इसकी अगर अंदर की बात करें तो इसका इंटीरियर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इंटीरियर इसका जैसे कि हम देख रहे हैं, इंटीरियर जैसे इस वाली का हमने देखा था बेज कलर था, इसमें हमें ब्राउन इंटीरियर मिल रहा है लग्जरी लाइन में जो आता है। एंड इसमें जो कि स्क्रीन है, इवन स्क्रीन जो न्यू शेप इसकी जो इससे लोअर मॉडल आता है उससे भी थोड़ी बड़ी मिलती है। ओके, फीचर्स की बात करें तो हम इसमें फीचर्स पूरी लोडेड कार है। वायरलेस चार्जर, एम्बेड लाइटिंग, रिवर्स कैमरा, पैनोरामिक रूफ, डिजिटल ओडोमीटर। आप जैसे भी अपने मोड चेंज करते हैं, सपोज स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, उसके साथ साथ आपका ओडोमीटर का डिस्प्ले भी चेंज होता है। एंड इसके अगर हम कंसोल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। एंड कंडीशन की बात करें तो इट्स अमेजिंग। लेट्स टॉक अबाउट द मनी। तो ये जो गाड़ी है दिस इज 2018 एंड दिस इज लग्जरी लाइन X3 एंड इट हैज़ डन 26,000 किलोमीटर्स। वी आर आस्किंग 47,75,000 फॉर द कार। ठीक है, लेट्स सी नाउ। अब ये भी 18 है, ये भी 18 है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? दिस वॉज द अपर मॉडल एंड दिस इज द लोअर मॉडल। दिस इज X3 X-Drive जिसमें आप अलॉय व्हील्स का डिफरेंस देख रहे हो। एंड हमें जो अंदर फीचर्स का डिफरेंस मिलेगा वो भी अलग है। साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पर हमें जैसे यहाँ पे क्रोम फिनिश मिल रही है, वहाँ पर आप देखोगे हमें ब्लैक जो दूसरी फिनिश है वो मिल रही है। नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे डोर्स पे जो हमें फिनिश है क्रोम की, वहाँ पर आप देखोगे तो हमें ब्लैक पैनल्स मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि ये मिड मॉडल है, बेस मॉडल है, काइंड ऑफ इस तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल, इससे लोअर मॉडल है। लग्जरी लाइन इज द टॉप एंड मॉडल एंड दिस इज द लोअर देन दिस मॉडल। अब क्योंकि अगर मैं एक कंपैरिजन अगर आपको करके दिखाऊं तो ये लग्जरी लाइन है। इसके अंदर जो अपने को टायर प्रोफाइल मिल रही है विद अलॉय साइज, अगर हम देखें तो 245/50 आर 19 इंच है ये। अब ये 19 इंच नहीं होगा, ये होगा 18 इंचेस अलॉय। तो ये भी एक डिफरेंस है टायर साइज का भी और अलॉय व्हील्स का। इंजन का कोई डिफरेंस नहीं है। इंजन में हमें दोनों ही 2 लीटर मिलती है, 2000 cc मिलता है। इसमें पावर दोनों की इक्वल है, बट जो छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं
और आगे भी आप देखेंगे अगर बंपर्स पे देखेंगे उसमें हमें क्रोम फिनिश मिल रहा है, यहाँ पर हमें ब्लैक पार्ट फिनिश मिल रहा है। आई थिंक लाइट्स का एज सच मुझे कोई डिफरेंस लग नहीं रहा। लाइट्स का भी डिफरेंस है, आप देखोगे अगर ध्यान से तो वो वाली लाइट्स की शेप थोड़ी अलग है, इसकी अलग है हल्की सी। अंदर फीचर्स की अगर बात करें इसमें हमें डिफरेंस मिलता है फीचर्स का, वायरलेस चार्जर हमें इसमें नहीं मिलता, इसमें रिवर्स कैमरा नहीं, इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, पैनारोमिक सनरूफ हमें इसमें भी मिलेगी, इसका इंटीरियर बेज मिलेगा हमें, एंड ये कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं जो कि इसको डिफर करते हैं लग्जरी लाइन से। देखिए हर किसी की अपनी पॉकेट होती है दोस्तों, तो इंसान अपने पॉकेट के अकॉर्डिंगली ही गाड़ी बाय करता है या कोई भी चीज़ बाय करता है। अब ये वाली जो गाड़ी है ये भी 18 मॉडल है, बट जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, हालांकि आई डोंट नो क्या प्राइस होगा, बट मेरे ख्याल इससे तो कम ही होगा, बिल्कुल कम होगा। तो अगर आप इतने पैसे नहीं खर्चना चाहते, आपको थोड़ा और पैसों का थोड़ा कंसर्न है, बजट कंसर्न है, लेकिन आपको 18 मॉडल ही चाहिए, सो यू कैन गो फॉर दिस मॉडल एज वेल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ ऐसे ही फीचर है जो बिल्कुल ही इसके अंदर, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि गाड़ी बिल्कुल बेसिक है। हाँ, गाड़ी बेसिक। अगर आप कंडीशन की बात करें, सबसे मेन चीज़ होती है बीएमडब्ल्यू में ड्राइव। ड्राइव आपको दोनों की सेम मिलेगी, इंजन साइज दोनों का सेम मिलेगा। द डिफरेंस इज इसमें स्क्रीन थोड़ी छोटी है, एंड इसमें हमें जो कुछ फीचर्स हैं, सपोज इसमें हमें जैसे एम्बिएंट लाइटिंग का फीचर हो गया, वायरलेस चार्जर का फीचर हो गया, रिवर्स पार्किंग कैमरा का फीचर हो गया, ये फीचर्स इसमें नहीं मिलते। बाकी बेज इंटीरियर है इसका, कंडीशन इसकी भी बिल्कुल ओके है, क्योंकि ब्रांड न्यू कंडीशन, क्योंकि किलोमीटर्स हैं इसके 43,000 किलोमीटर। लेट्स सी कि क्या प्राइस है इसका। तो नमन, ओवर टू यू भाई। सो दिस इज X3 एक्स ड्राइव एंड दिस इज 2018 मॉडल, डन 43,000 किलोमीटर्स एंड वी आर आस्किंग 43,75,000 फॉर द कार। दिस इज अ सेकंड ओनर कार, वो वाली थी 47। तो देख लीजिए कितना बड़ा आपको मेजर डिफरेंस दिख रहा है। हालांकि जो कंडीशन है वो बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग है दोनों कार्स की, या मैं ये कहूँ कि तीनों कार्स की, क्योंकि तीनों ही X3 हैं। बट जिसका अंडर 30 अगर किसी को खरीदना है तो 30 का ऑप्शन भी है, देन वी हैव अंडर 45 ऑप्शन, देन वी हैव अंडर 50 ऑप्शन आई थिंक। तो स्क्रीन पे आपके जो नंबर चल रहा है इस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी पूछ सकते हैं, और जो पाइपलाइन में और जो इन स्टॉक रहता है वो वर्बली एक बार नमन बता दें। हमारे पास जैसे कि अभी हमारे पास और आने वाली गाड़ियां हैं, जैसे कि BMW X5 है, Jaguar XE है, जिन जो ये कार भी लेते हैं उनको भी चाहिए गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में हो, बिल्कुल अच्छी हो, ताकि उनको ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारी सारी गाड़ियाँ वैसे भी लिस्टेड होती हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, आप जाकर देख सकते हैं ऑटोबेस्ट इंपीरियो के, या फिर आप चाहे हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जो कि है www.autobest.co.in, एंड आपको नंबर जो चल रहा है आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, या फिर हमारे शोरूम पर विजिट कर सकते हैं जिसपे आप फिजिकली गाड़ियां देख सकते हैं जो कि है मेन रिंग रोड रजौरी गार्डन। बहुत बढ़िया, तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइए कि अब कौन सी गाड़ी हम कवर करें ऐसे ही स्टाइल में, ताकि आपका जो ड्रीम है वो हम जल्द से जल्द पूरा करा सकें। और इसी नोट के साथ हम लेते हैं अलविदा, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, टेक केयर गाइस।